आरती को देखकर लोगों की भर्तियां करेंगी क्या न्यूज रूम में? तो मैंने मतलब मेरे समय मन में ये चल रहा था, आपसे मैं उनमें नहीं बोल पाई कि मेरी जाति को देखकर नहीं रखेंगे, लेकिन जाति जो आप लोगों ने भर्ती कर रखी वो एक ही जाति के लोग हैं। और आज भी वही स्थिति बनी हुई है कि चाहे हम लोगों को बूथ नायक शुरू करना पड़े, नेशनल लेवल तक शुरू करना पड़े, जरा चूकना शुरू करना पड़े, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में हम जैसे लोगों को जगह नहीं मिलती है, हम जैसे लोगों को बात करने का मौका नहीं दिया जाता है, मौके नहीं मिले जाते हैं, और इस वजह से हम लोगों को एक अपना मीडिया खड़ा करना पड़ा। लेकिन दलित जो है जो सदियों से दिशा में है, उनके मुद्दों पर आज की बात नहीं होती है, उनके मुद्दे आज भी जो है मीडिया से गायब हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि पूरा भरा हुआ है, ना केवल सामने भरा हुआ है, स्टेज पे भी लोग बैठे हुए हैं, पूरा का पूरा भरा हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ निराशा होती है, क्योंकि हम ही सभी लोग जो है हाशिए पे खड़े हैं, और हाशिए पे खड़ा समाज है यहाँ पे जो मौजूद है, जिस पर हम बात करें, जिन मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे मुद्दों को हमेशा जो है दरकिनार दिया जाता है, मौत दिया जाता है, हमें जो है सबसे अलग रखा जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे महिलाएं जो है हाशिए पे खड़ी हैं, वो मौजूद रही हैं यहाँ पे, उनकी बहुत कमी दिखती है मुझे इस तरह के प्रोग्राम में। और मैं हमेशा से बोलती आती हूँ कि महिलाएं जहाँ नहीं हैं वो प्रोग्राम मतलब पूरी तरह से मैं सक्सेसफुल नहीं मानती उसको, कि क्यों कम है यहाँ पे महिलाएं। और जो बाबा साहिब हैं या कुल दंपति हैं, हमेशा से जो हमारे बहुजन आइकन हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, बिना महिलाओं के वो कोई भी कार्य नहीं करते थे, कोई भी मुद्दा नहीं उठाते थे। लेकिन फिर भी जो है महिलाएं हमारे देश की जो है, हमारे समाज की महिलाएं जो है पीछे रह जाती हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो हम ही लोगों की है। यहाँ के जो लोग बैठे हैं उनकी भी कमी है कि आप लोग सब आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे सर ने उदित्रा सर ने बताया कि पूरे देश भर से यहाँ के लोग मौजूद हैं, और जबकि 157 लोगों की टिकट भी जो है रद्द हो गई है, क्योंकि जो मुकम्मल चल रहा है इस समय उसकी वजह से। आप लोग आए बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपकी घर की महिलाएं यहाँ आती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। ज़्यादातर हमारे समाज की महिलाएं जो है चूल्हा चौका ही संभालती हैं आज भी, चाहे हम लोग कितना भी आगे बढ़ गए हैं, प्रोग्रेसिव हो गए हैं, लेकिन आप लोग जिन मुद्दों को समझ रहे हैं, जिन बातों को आप कर रहे हैं, उसमें भी महिलाएं अगर घर छूट जाएंगी तो जो हम लोग जिस कार्य को करने के लिए निकले हैं, जिस जागरूकता को बढ़ाने के लिए निकले हैं, वो बहुत पीछे छूट जाएगा। बिना महिलाओं के कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगा। दो चार यहाँ पे महिलाएं मुझे दिख रही हैं, कुछ कुछ यहाँ दिख रहे हैं, हम लोग अभी बात भी कर रहे थे, यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर है तो उससे भी मेरी बातचीत हो रही थी कि महिलाएं नहीं दिख रही है, ना स्टेज पर होती है, ना ऑडियंस में होती है, तो ये थोड़ी सी एक कमी है। और मैं चाहूँगी कि ओम सुधा इसको आगे से ध्यान रखें कि महिलाएं ज़्यादा हों, आपके घर की महिलाएं आए, आप लोग आते हैं, आपके घर की महिलाएं क्यों नहीं लाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, और अपने आपसे पूछिए, इसका जवाब आपके पास ही है। खैर, पत्रकारिता की बात करूंगी कि जो हम लोग हाशिए पे खड़े हैं और आप देखते हैं दलित आदिवासी जो है मीडिया में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, और हमको ने भी बता ही दिया कि जो बड़े बड़े जो फील्ड हैं वहाँ पे महिलाएं क्या और अभी दलित आदिवासी नहीं है। और इसका जो है पूरा रिसर्च कैसा है, 2006 में हुआ जो रिसर्च, वही वैसा ही रिसर्च ऑक्सफर्ड की रिपोर्ट में भी आया, 2019 में जो रिसर्च हुआ कि दलित आदिवासी नहीं है, ना एंकर पे है, ना आपको टीवी पर दिखेंगे, ना आपको किसी जो है डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर दिखेंगे, कहीं पर भी दलित आदिवासी नहीं, आदिवासी किस तरह से बैन है, आदिवासी तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे, दो चार दिख जाएंगे, लेकिन और जो आदिवासी हैं जिसमें कई सारे जो सप्ताह हैं वो लोग तो दिखते ही नहीं हैं, तो जो दलित हैं वो भी नहीं दिखते हैं। और जो होते हैं मीडिया में, हम लोग खुद काम करके आए हैं मीडिया में, मैं BBC में काम करके आई हूँ, जो माहौल होता है दलितों के लिए वो माहौल बहुत ही ख़राब होता है। आपको शायद टीवी पे भी देखने में बहुत अच्छा अच्छा लगेगा, मेनस्ट्रीम मीडिया जिस तरह से बात करता है, दलितों की भी बात करता है, लेकिन किस तरह से बात करता है आप सब लोग जानते हैं कि वो सिर्फ उतनी ही बात करता है जितना इसलिए उनको फ़ायदा होता है, और कई सारे मुद्दों उन्होंने इग्नोर किए, कई सारे मुद्दे जो है वो दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह ये है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर सभी के सभी एक तरह के लोग हैं, सभी के सभी एक कास्ट के लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत प्रोग्रेसिव अपने आप को कहते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी इमेज उन्होंने बना रखी है, लेकिन उनके दिमाग
दिमाग से जो है जाति नहीं जाती है, और वो जो जाति के आधार पर लोगों को रखते हैं वो कभी नहीं जाती है। जब मैं बीबीसी के बाद जब चौंकाली जी की मेरे साथ हुई और बीबीसी के बाद जब मैंने दिल्ली में जीतना शुरू किया तो कई लोगों ने मुझे कहा जो जो मीडिया में मौजूद हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, हम लोग जो है मुझे इवन क्या कहते हैं उनके शर्मा ने भी कहा था, बीबीसी के एडिटर हैं अभी, तो उन्होंने कहा था मुझे एक बार कि हम लोग क्या जाति को देखकर लोगों की हत्या करेंगे क्या न्यूज रूम में। तो मैंने मतलब मेरे समय मन में ही चला था, मैं उस समय उनमें नहीं बोल पाई कि मेरी जाति को देखकर नहीं रखेंगे, लेकिन जाति जो आप लोगों ने भर्ती कर रखी वो एक ही जाति के लोग हैं, तब वहाँ पे जाति आ जाती है। हम दलित आदिवासी को जैसे चुनना होता है तब उनको जाति नहीं देते, वो मेरिट देते हैं, और मेरिट कौन निर्धारित करता है वो आप सब लोग जानते हैं कि जो लोग वहाँ पर ऊँची पदों पर बैठे हैं ऊँचे पदों पर बैठे हैं वही लोग मेरिट निर्धारित करते हैं कि किस लोगों को आना है किन लोगों को नहीं आना है। और जाति जो है सबसे बड़ा मेरिट है, अगर आपका सन नहीं है जो है शर्मा त्रिपाठी की बेटी जिस तरह का है अच्छा है तो आपका जो है मेरिट वहीं से निर्धारित हो जाता है। आपने सारे जो है जो पैमाने हैं वो तय कर लिए हैं, वो सारे पैमानों के आप खड़े उतरे हैं, लेकिन जैसे ही आप दलित आदिवासी हैं वो मेरिट पर नहीं निर्धारित होता है और वो लोग जो है मीडिया में नहीं पहुँच पाते हैं। और जिस तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे शंभू ने कहा बिल्कुल सही बात है, हम लोग बड़े पत्रकार हैं, हम लोगों को कहा जाता है कि हम सभी तरह के मुद्दों पर बात करेंगे सभी तरह के मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन जैसे आप मीडिया में एक पूरा का पूरा आपके साथ आपको साइन करवाया जाता है उसमें रूल रेगुलेशन सारे होते हैं कि आप अपनी बात नहीं करेंगे उनके मुद्दों पर बात करेंगे जिन मुद्दों पर वो मीडिया तो उनके मुद्दों पर बात करेंगे। और जब मैं अपनी बात भी रख रही थी तो मुझे कई सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने भी कहा था, नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, कि पत्रकार का काम होता है दुनिया के दुख दर्द को दिखाना, अपने दुख दर्द को नहीं दिखाना। यानी हम लोग जब अधिकारों की बात करेंगे जब हम लोग जो है अपनी बात करेंगे तो वो अपनी बात नहीं दिखा सकते अपना दर्द नहीं दिखा सकते, और जिसकी वजह से सारे कई सारे मुद्दे छूट जाते हैं। कई लोगों ने मुझे ये भी बताया कि जो मीडिया में जिस तरह का होता है जैसे सुमित है, सुमित भी जो है मैंने इसी मीडिया में काम करके आए तो उन्होंने वो भी आपको बताएंगे कि न्यूज़ रूम में किस तरह का माहौल होता है, न्यूज़ रूम में किस तरह से जो है खबरों का निर्धारण होता है, किस तरह की खबरें दिखाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो दिखाई जाएंगी। और महिलाएं तो बिल्कुल ही नहीं है, महिलाएं तो बिल्कुल ही नहीं होती हैं पत्रकारिता में, और ये रिसर्च भी कहता है, अभी फिर से एक कंप्लेंट की रिपोर्ट आने वाली है और कई सारे लोगों का जिक्र हम लोगों से भी बात की गई है उसमें उस रिपोर्ट में, और फिर से वही जो है डराने वाला डेटा सामने आने वाला है कि मीडिया में आज़ादी के इतने साल बाद भी जो है दलित आदिवासी नहीं पहुँच पाए हैं। और अभी थोड़े दिन पहले मैं सिलगेर गई थी, पूरा जो है आदिवासी एरिया है बस्तर है, और वहाँ पे आप देखें तो जो आदिवासी हैं बिल्कुल कटे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है देश दुनिया में क्या हो रहा है, उनके मुद्दे वो खुद ही लड़ रहे हैं उनके मुद्दों पे, यहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है यहाँ की टीवी तक वो जो है मुद्दे पहुँच ही नहीं पाते, किसी को नहीं पता कि सिलगेर में पिछले एक साल से प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ की मीडिया से वो सारी चीज़ें गायब हैं, वो लोग अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जो मीडिया में है दलित आदिवासी लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वो लोग अपने मुद्दे नहीं बना पाते हैं, वो लोग अपने मुद्दे पर बात नहीं कर पाते हैं। और इसकी वजह से ही आपको याद होगा कि 1920 में बाबा साहिब ने भी नायक शुरू किया था, इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उस समय जो है बाबा साहिब को जो हाशिए पर खड़ा समाज था, जो उनका समाज था, जो सच में जो जिसके जिनके मुद्दे थे वो मीडिया में नहीं आ पा रहे थे, और उन्होंने मूक नायक की बदौलत पत्रकारिता शुरू करी, वो एक पत्रकार के रूप में भी सामने आए और उन्होंने जो मूक नायक शुरू किया तो उसमें वो हाशिए पर खड़े समाज के बारे में बात कर रहे थे। और आज भी वही स्थिति बनी हुई है कि चाहे हम लोगों को मूक नायक शुरू करना पड़े, नेशनल दत्तक शुरू करना पड़े, जरा चूतना शुरू करना पड़े, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में हम जैसे लोगों को जगह नहीं मिलती है, हम जैसे लोगों को बात करने का मौका नहीं दिया जाता है, मौके नहीं मिले जाते हैं, और इस वजह से हम लोगों को एक अपना मीडिया खड़ा करना पड़ा।
शिराज जी ने कहा था कि जो मीडिया है वो मीडिया में कभी बात नहीं करते, तो आज अब आप भी देखेंगे कि आज भी जो है उनकी पार्टी के बहुत कम लोग जो है बात करते हैं मीडिया में, क्योंकि उन्होंने मेनस्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल जो है रिश्ता तोड़ दिया था। उनको पता था कि हमारे मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। बाबा साहेब ने भी इसी तरह से मेनस्ट्रीम मीडिया से जो है उन पर उनको विश्वास नहीं था और अपना मीडिया खड़ा करना पड़ा। वो हमेशा कह रहे थे अपना मीडिया खड़ा होना चाहिए, तभी हमारे मुद्दे आएंगे। हमारा जो दर्द है वो हम खुद बताएं, मेरा हाथ कटा है तो मैं बताऊंगी मुझे कितना दर्द है, और सवर्णा क्यों बताएगा कि मेरा मुझे कितना दर्द है और कितना दर्द नहीं होगा, तो पुरुष क्यों बताएगा कि किसी महिला को कितनी दिक्कत है। वो खुद अपना दर्द बताए, जो हाशिए पे खड़ा समाज है वो अपना दर्द बताए, और इसके लिए अपना मीडिया होना जरूरी है। और जो आप अल्टरनेटिव मीडिया देख रहे हैं, आज अल्टरनेटिव मीडिया भी खड़ा हो गया। अल्टरनेटिव मीडिया में भी आप देखेंगे कि किस तरह के लोग जो है बात कर रहे हैं, किस तरह के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर भी दलित आदिवासी जो है डिसीजन मेकिंग में नहीं पहुंचा है, भले ही वो एक आरएसएस के एजेंडा में काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को दुश्मन बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन दलित जो है जो सदियों से पीड़ा में है उनके मुद्दों पर आज भी बात नहीं होती है, उनके मुद्दे आज भी जो है मीडिया से गायब हो रहे हैं। इस वजह से जो है बहुजन मीडिया आगे आया है और इसमें जो सोशल मीडिया का सबसे बड़ी भागीदारी है। और आज जो हर कोई पत्रकार है, मैं तो सबको ही पत्रकार मानती हूँ जो सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो अपने मुद्दे खुद उठा सकता है, अपने मुद्दों पे खुद बात कर सकता है, उसका दर्द है वो सोशल मीडिया के चलते खुद बता सकता है। हम लोगों को भी, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया से हम लोगों को नहीं पता चलता है, मेनस्ट्रीम मीडिया में जिस तरह की खबरें आती हैं वो छोटे छोटे कॉलम में होती गायब हो जाती है, पता ही नहीं चल रहा है क्या दूर दराज में आज भी हो रहा है दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, वो आज भी नहीं पता चलता है। हमें सोशल मीडिया से ही पता चलता है, आज कहीं का कोई मुद्दा आता है तो सोशल मीडिया से ही हमें पता चलता है। तो सोशल मीडिया की हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और खैर मनाइए कि हम लोगों को कम से कम वहाँ पे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। मैं अपनी बात यही खत्म करना चाहूँगी। जय भीम, जय साधिकार।